अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बढ़िया सा कुछ खाने का मन कर रहा है, शाम का टाइम हो रहा है और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना है, तो इस तरीके की रेसिपी आप बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस मैक्रोनी, आइए बहुत जल्द बनाते हैं। एक पैन गैस पे चढ़ा देंगे, उसमें डालेंगे करीबन 2 गिलास पानी। ये मैक्रोनी मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप उस हिसाब से मेज़रमेंट देख लीजिएगा। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक 1/4 चम्मच के करीब, और कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल देंगे इसमें, और पानी को उबलने देंगे। जैसे ही पानी उबलने लग जाए तो उसमें हम 1 कप मैक्रोनी डाल देंगे, करीबन 100 ग्राम, और इसको करीबन 10 मिनट अच्छे से हमें पकाना है, क्योंकि फूल के डबल हो जाएंगी और मैक्रोनी एकदम से बढ़िया से 10 मिनट में हमारी उबल के तैयार हो चुकी हैं। और इसको एक छन्नी में छान लेंगे, लेकिन इसके पानी को हमें संभाल के रखना है, थोड़ा सा पानी हमें यूज़ करना है मैक्रोनी बनाते टाइम। तो इसको रख देते हैं, और एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम बटर, और बटर जले ना तो इसलिए डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, और कुछ वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो वो डाल लीजिए, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और स्वीट कॉर्न। और इसको भून लेंगे, और सिर्फ 2 मिनट ही भूनेंगे, इनका क्रंच एज इट इज़ रहना चाहिए, प्याज हमारी पिंक पिंक हो जाए, इतना ही हमें इसको भूनना है। और झटपट बनाने के लिए घर पे जो रखे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये स्पेशल ला के रखिए जब भी आपको ऐसा कुछ बनाना हो। इसमें डालेंगे हम 2 छोटी चम्मच शेजवान चटनी, बाकी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और 1 बड़ा चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें मेयोनीज़, और इसको दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और आप इसमें मैक्रोनी की जगह पास्ता भी उबाल के डाल सकते हैं। 1 चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि सॉसेज में भी इसमें नमक होता है। 1 चम्मच हमने टमाटो केचप डाल दी। और अगर आपके बच्चों को वेजेस ना पसंद हो तो आप खाली इसमें जो उनको पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। खाली इसमें चटनी के साथ भी आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इसमें हमने 1/2 कप पानी डाल दिया, वही मैक्रोनी वाला जो हमने जिसमें हमने मैक्रोनी को बॉईल किया था वाला पानी हमने डाल दिया 1/2 कप। और इसको अच्छे से हमें पकने देना है, और फिर इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डाल देनी है, और इसको मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को एक बार हाई कर लेंगे, हाई करके इसको अच्छे से पकाएंगे करीबन 2 मिनट के लिए। और जैसे 2 मिनट हो जाएंगे, और इसमें हम डालेंगे इसको चीज़ी बनाने के लिए चीज़ स्लाइस डाल देंगे, या आप डाइसिस वाला भी डाल सकते हैं चीज़, और थोड़ा सा पानी और डाल के इसको 2 मिनट हम ढक के पकाएंगे, जिससे कि चीज़ मेल्ट हो जाए और पानी और सब मसाले आपस में रल मिल जाएं। स्लो गैस में पका लिया, 2 मिनट हो गए, और 2 मिनट बाद देखो डिलीशियस मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, चीज़ी वाली। शेजवान मैक्रोनी कहो, जो मर्जी कहना है कहो, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आपके बच्चे बस मज़ा आ जाएगा, कहेंगे वाह मम्मा आपने क्या बना दिया। और कुछ जो बैचलर है वो भी इसको खुद बना सकते हैं, बॉयज़ भी बना सकते हैं, जिसका मन करे वो बना सकते हैं। और खाओ पियो ऐश करो मौज करो, इतनी बढ़िया मैक्रोनी बनी है। जब आपको भूख लगी हो तो इस तरीके की रेसिपीज बनाइए, और मीनू किचन को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।